दोस्तों, गाड़ियों का आविष्कार मानव इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। पहले वाहन सिर्फ यातायात के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज यह लोगों के स्टेटस को भी दर्शाती हैं। दुनिया की पहली ऑटो व्हीकल 1885 में चलाई गई थी, जो कि एक थ्री व्हीलर थी और इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके बाद समय के साथ बदलाव आता गया और आज दुनिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी 440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ चुकी है। खैर, अब दौर बदल चुका है और जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यह व्हीकल्स बैटरीज पर चलती हैं, जिनसे पॉल्यूशन काफ़ी कम होती हैं। और आजकल जैसे पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैसे में यह व्हीकल्स काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो दोस्तों, आप यह जान गए होंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती क्या है। तो अब चलिए यह जानते हैं कि आखिर यह काम कैसे करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आईसी इंजन्स की तरह बहुत सारे मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि इसमें एक मल्टी सेलुलर बैटरी होती है और एक इंडक्शन मोटर होती है। और बैटरी के डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर होता है। और मोटर के स्पीड को व्हील्स तक पहुंचाने के लिए एक सिंपल गियर बॉक्स का अरेंजमेंट होता है। तो बैटरी से पावर इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर से एसी करंट इंडक्शन मोटर की तरफ जाती है और इस तरह से मोटर घूमती है और गाड़ी हमारी चलती है। तो अब हम यह जान गए हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती हैं और यह काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब यह जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आखिर इंडिया में अभी क्या स्कोप है और अभी मार्केट की क्या स्थिति है। दोस्तों, भारत सरकार का एम था 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना, लेकिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यह एम काफ़ी दूर नज़र आता है। वैसे देश के बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स जैसे महिंद्रा और टाटा ऑलरेडी मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उतार चुकी हैं और बाकी की बड़ी कंपनियां भी अपने व्हीकल्स को उतारने की तैयारी में लगी हुई हैं। और अगर बात करें टू व्हीलर्स की, तो मार्केट में पहले से ही टू व्हीलर्स के काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं। वैसे तो गवर्नमेंट 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करती है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए यह काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है और यहाँ और भी बहुत सारी समस्याएँ मौजूद हैं। दोस्तों, 2019 के बजट में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे 12% से टैक्स हटाकर 5% कर दी है, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के दाम कम होंगी और इनकी सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जल्द ही इंडियन मार्केट में आए और हमारा देश 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अग्रसर हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई कमेंट है इस वीडियो से जुड़ा या किसी टॉपिक से जुड़ा, तो ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।